पीलीभीत में चला धरना और उपवास। पीलीभीत में शुक्रवार का दिन प्रदर्शन कर नाम रहा, जहां एक और समाजवादी पार्टी की ओर से देवरिया सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद सांकेतिक धरना व उपवास का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहीं प्रदेश भर के राज्य कर्मचारियों ने भी पेंशन बहाली को लेकर दिन भर हजारों की संख्या में विरोध दर्ज किया। वहीं पुलिस अधीक्षक बालेंद्र सिंह के निर्देशों दो कंपनी पीएसी व कई अन्य थानों की पुलिस भी दिन भर मुख्यालय के नेहरू पार्क में मुस्तैद रही। ये जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक जंगल राज कायम है, आज उत्तर और पूरे देश के अंदर भाजपा की सरकारें हैं, आज बेटियां असुरक्षित हैं। देवरिया कांड आपको सब पता है, जिस तरीके से बेटियों के साथ जिस जाति और जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, इससे ये पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में आज महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, नौजवान को रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, हर आदमी दुखी है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग आज इस नेहरू ऊर्जा उद्यान पार्क के अंदर आज हम लोग धरने के और उपवास में बैठे हुए हैं। कि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से एक दिवसीय धरना और उपवास हम लोगों ने रखा है। आज पूरे देश और प्रदेश की जो हालत है, बेटियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्याएं हो रही हैं और तमाम सारी घटनाएं पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह बिल्कुल इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। आज वास्तव में अगर हम लोग जहां पूरे देश की जनता ये देख रही है, ये समझ रही है, महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो नारा दिया था कि बेटी बचाओ, तो आज उनके इस स्लोगन का आज हम लोग ये अर्थ पूरी जनता समझ रही है कि उनका मकसद ये था कि बेटियों को बचाओ। ये धमकी जो उन्होंने दी थी, वो धमकी आज हम लोग समझ पा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, तो ये उन्होंने ये नहीं बताया था कि हम हिंदुस्तान के किसानों करेंगे या पाकिस्तान किसानों की दुगनी करेंगे। इसी तरह से उन्होंने बेटियों के संबंध में हम लोग समझ रहे थे कि जनता समझ रही थी बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये आज समझ गए सब लोग कि उन्होंने उनसे बेटी बीजेपी के लोगों से बेटियां बचाएं। तो ये आज पूरे देश और प्रदेश की जो हालत है, आज बेटियां, आज माँ और पिता के सामने, बहन के जो है भाई के सामने बेटियों का, बहनों का बलात्कार, गैंगरेप हो रहे हैं, तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं। और ये सरकार जो कानून व्यवस्था का जो ढोंग रचती है, दावा करती है, इनको शर्म आनी चाहिए। देश और प्रदेश में जो नेतृत्व कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए और मोदी सरकार और योगी सरकार, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज हम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, जिस तरह से आज हमारे देश की जो हालत है।